क्लास सेकेंड में आज फनी बनी चैप्टर पढ़ना है। वन डे ए नॉट फेल ऑन फनी बनी, एक दिन एक नट, नट मतलब होता है अखरोट, फनी बनी के ऊपर गिर जाता है। वन डे ए नॉट फेल ऑन फनी बनी, एक दिन फनी बनी के ऊपर एक अखरोट गिर जाता है, एक नट गिर जाता है। आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी। फनी बनी कहता है कि मेरे ऊपर स्काई गिरने वाला है। वो ऐसा सोचता है कि उसके ऊपर स्काई गिरने वाला है, आसमान गिरने वाला है। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे किंग को जाके बताना चाहिए, राजा को जाके बताना चाहिए। ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सैड फनी बनी। ऑन द वे मतलब रास्ते में, ही मेट हैनी पैनी, वो हैनी पैनी से मिलता है। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सैड फनी बनी। तो फनी बनी कहता है कि स्काई मेरे ऊपर गिरने वाला है। जब वो हनी पैनी से मिलता है तो वो हनी पैनी को बताता है कि स्काई हम लोग के ऊपर गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं किंग के पास जा रहा हूँ उन्हें बताने, मैं राजा के पास बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, सेड हनी पैनी। फिर हनी पैनी कहता है उससे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जब फनी बनी उसको बताता है हनी पैनी को कि स्काई हमारे ऊपर गिरने वाला है, तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। एंड ऑफ, दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो दोनों राजा के पास जाने लगते हैं। सून दे मेट कॉकी लॉकी, जल्दी ही वे कॉकी लॉकी से मिलते हैं। फिर आगे देखिए, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी। फनी बनी कहता है कि स्काई जो है, आसमान जो है, वो गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं किंग के पास जा रहा हूँ बताने, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, सेड कॉकी लॉकी। कॉकी लॉकी कहता है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूँगा। एंड ऑफ, दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे किंग के पास चले गए। फिर वहाँ पे तीन लोग हो गए, कौन कौन, फनी बनी पहले, फिर हैनी पैनी से मिलता है, फिर कॉकी लॉकी से मिलता है। ये तीनों निकल जाते हैं राजा के पास, राजा को बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कि स्काई ऊपर गिरने वाला है। इतना आप लोग होमवर्क में करके और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, इतने का अर्थ।